हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आज मैं गया था हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने, तो आपको बताता हूँ कि यहाँ के लोग कैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और वहाँ पे क्या क्या हुआ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो हम यहाँ पे पहुँच गए अभी हाई कमीशन ऑफ इंडिया में। तो हमें बाहर लाइन पे खड़ा रहना पड़ा कुछ देर के लिए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। और विजिटर एंट्री हुई हम सब की यहाँ पे, और देख सकते हो आप, इसे विजिटर एंट्रेंस के लिए है। और जैसे ही हमने एंट्री करी तो हमें अपना नाम, आईडी वगैरह सब कुछ लिखना पड़ा यहाँ पे, अपनी आईडी प्रूफ भी बताना पड़ा एंट्री के लिए। और ये असेंबली एरिया है जहाँ पे फ्लैग होस्ट होगा अभी। और आप देख सकते हो यहाँ पे इंडियन आर्मी वाले भी थे, और भाई एनसीसी वाले भी आए थे, एयरफोर्स वाले भी, नेवी वाले भी थे। और ये मेरा फ्रेंड हिमांशु जिसके साथ मैं यहाँ पे आया था, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लोग थे, और हिंदू मुस्लिम सब आए हुए थे, और लिटरली बहुत मज़ा आया। और द मेन थिंग इज़, यहाँ का जो आज मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगी वो ये, इंडिया पे भाई मोटो जीपी आ रहा है इवेंट, फर्स्ट टाइम मोटो जीपी भारत, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट होस्ट कर रही है। ये इवेंट है बुद्धा नेशनल सर्किट पे, ग्रेटर नोएडा, सितंबर। और यहाँ पे कुछ बाइकर भी आए जिन्होंने इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ये अपनी बाइक्स लेके आए। और सुन सकते हो तो लाउडनेस ऑफ दीज बाइक्स, सुपर बाइक्स, इसमें कि फर्स्ट है आपकी स्क्रैम्बलर। ये मतलब ये सिर्फ वो आए थे प्रमोट करने इस चीज़ के लिए, जो लंदन पे इंडियन राइडर जो हैं वो जो आए थे। फ्रेंड्स, इन बाइकर आने के बाद फिर से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, जिसमें आई थी इंडियन क्रिकेट टीम, हैंडीकैप इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे। और आप देख सकते, इनका आज मेरे को फर्स्ट टाइम इनका जो बॉल होता है वो देखा मैंने, कि वो आवाज़ करता है जो बॉल जो होता है, इट्स रियली नाइस। तो यहाँ पे एनसीसी के लोग भी आए हुए थे, और ये रियली बहुत लकी एनसीसी वाले। तो जैसे कि यहाँ पे आप ट्रेनिंग वगैरह के लिए आए एज अ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इंडिया को, एज अ यूथ एंबेसडर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लकी हाँ। तो उसके लिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता, आपको क्वालिफाई वगैरह चाहिए होता या फिर इसके बाद हम लोग एग्जाम। अच्छा, अभी सी सर्टिफिकेट पे हो आप लोग, और वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन है। आप यहाँ पे आए, बहुत रेयर लोगों को मिलता है, सीरियसली नाइस। और फ्रेंड्स, यहाँ पे फूड स्टॉल भी लगा हुआ था, जिसमें समोसा, जलेबी वगैरह, चाय वगैरह सब कुछ था, और रियली बहुत ही अच्छा था। और हमें बहुत देर लाइन में लगने के बाद हमने वो खाया। और यहाँ पे मेरे को सबसे बड़ी बात, यहाँ पे मेरे को हिमाचल के लोग भी मिले, और जिन्होंने मेरे को पहचाना इस कैप की वजह से। और एक और भाई मिले हिमाचल के, जिनके साथ मैंने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि यहाँ हिमाचल की लोग भी हैं जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज धाम वगैरह भी करते हैं। भाई लंदन में धाम और नाटी वगैरह भी करते हैं, रियली नाइस। ये जो भाई है इनके साथ, अब मैं रियली इनके साथ मीटअप करूँगा कभी। सो थैंक यू गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।